सिर्फ पुराने नहीं नए पाकिस्तान में भी महकमे सेहत की अब तर सूरत हाल है। लेडी वेलिंगटन हस्पताल इंतजामिया का अनोखा कारनामा सामने आया है। काकरोबों को ऑपरेशन एक्सपर्ट बना दिया गया है। काकरोब हस्पताल में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बनकर काम करने लगे हैं। मजीद तफसलात जान लेते हैं बिलाल चौधरी से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, ये लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है जहाँ पे खाकरोबों को ऑपरेशन एक्सपर्ट बना दिया गया है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल से खाकरोब ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बनकर काम करने लग गए हैं। हॉस्पिटल के सेंट्रल इंस्पेक्टर का बांझा खाकरोब नवीर जो कि एनेस्थीसिया असिस्टेंट की ड्यूटी करना शुरू हो गया है। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल का खाकरोब था ये शाहिद जो कि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की ड्यूटी कर रहा है और ये पहले ये इसी हॉस्पिटल में खाकरोब की ड्यूटी पर मामूर था और खाकरोब की ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। हॉस्पिटल इंतजामिया की मुजरिमाना गफलतें ऑपरेशन थिएटर में आने वाले मरीजों की जिंदगी अभी दांव पे लगा दिया है। एनेस्थीसिया असिस्टेंट का काम बाकायदा एक क्वालिफाइड शख्स ही कर सकता है। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का काम तजर्बा और तालीम का मुतकाजी है। हॉस्पिटल इंतजामिया ने नए क्वालिफाइड रोग रखने की बजाय खाकरोबों से काम चलाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि जो एक्सपर्ट ओटी असिस्टेंट है उनको नहीं रखा जाएगा और खाकरोबों से काम चलाया जा रहा है। अस्पताल इंतजामिया का रवैया कीमती जानों के ज्यादा का बाइस भी बन सकता है। वजीर सेहत डॉक्टर यासमी रशीद ने महकमा सेहत में मेरठ को अव्वलीन तरजीह करार दिया।